आकाश के खिलाफ अलग से पर्चा दर्ज किया जाए उसकी लापरवाही। एक बात सुनो सुनो ब्रदर, घटना एक जगह हो रही है, एक टाइम में हो रही है, उस पर दो फायर कैसे दर्ज होगी? दर्ज करवा ले, उसका असर कोई होता कोई भी, आपकी मर्जी है, मैं ना नहीं करता। आकाश का बंदे ने हमारा फोन भी उठाया, हमारे पास मेरे समाज के सामने आओ, आकाश मैं तो एक बात समझाऊ, यहाँ मेरे समाज के सामने आओ, बस मैं तो एक बात कहूँ, घटना एक टाइम की है, एक जगह की है, एक दिन की है, उस पर दो फायर दर्ज नहीं हो सकती। आप कहोगे दर्ज करता है मगर उसका असर कुछ नहीं होता। डीएसपी साहब है, मान ले जब आप अलग बयान दे दो भाई, ना नहीं करता मैं। सुन तो लो, मान ले उन्होंने घटना अंदर होगी, अरे उन्होंने बच्चा बाहर निकाल के शटर बंद करके क्लास चला रहे, तो बच्चा उस सुनो जीवित था, मान ले को एम्बुलेंस या वैन प्रोवाइड करके या बच्चे को करके ले जाते एक डेढ़ घंटा, मान ले खुदा न खास्ता बच्चा बच भी जाता। इसमें लिख रखे आकाश वाले कार्रवाई की जाए, सीसीटीवी कैमरे कब्जे में लिए जाए, हमारे को भी दी जाए, कॉपी आपको लग सके वाले साहब। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सब मान गया, सील किया जाए, सील भी कर दें, आकाश को सील किया जाए। आकाश के जो सिक्योरिटी इंचार्ज है ना, जो इसका उसके खिलाफ एफआईआर चाहिए मेरे को। जब मैं हूँ, मैं उस सिटी थाने का डीएसपी हूँ, मेरी बात सुनो, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, जुबान है मेरी, इधर रिटायरमेंट पास से तरह तरह नहीं आऊंगा, कहाँ जाना है बताओ, तो अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। डीएसपी के आश्वासन के बाद जो है परिजन मांगे हैं, आकाश इंस्टीट्यूट के खिलाफ कार्रवाई की जो है बात की जा रही है। आपके आश्वासन के बाद परिवार वाले तैयार हुए हैं पोस्टमार्टम के लिए, तो आकाश इंस्टीट्यूट के खिलाफ पर्चा दर्ज कराए जाने की मांग कर रहे हैं जी। वो इस बात से नाराज है कि उन्होंने टाइम पे बच्चे को अस्पताल नहीं पहुंचाया, और इतनी बड़ी घटना के बाद भी वहाँ क्लास चलती रही, उस बात से नाराज है। और वो हम चीज़ें जो लिख के दे रहे हैं, हम फाइल दे रहे हैं उसको, उसमें एज पर ला जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी हम करेंगे। तो ये आकाश इंस्टीट्यूट का अब तो बनता ही है, कानूनी कार्रवाई तो बनती है, जिस हिसाब से सीसीटीवी फुटेज भी आई है बच्चे के अंदर में जो है चाकू मारेगी। देखिए हम इसमें कानूनी राय ले करके जो भी धारा ऐड होगी, धारा 302 में पर्चा दर्ज किया गया है, जो भी धारा कानूनी राय लेकर के और विधि अनुसार हम काम करेंगे। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आरोपी अरेस्ट हो चुका है जी। आरोपी अरेस्ट हो चुका है और आज उसको, क्योंकि वो जुनाइल है तो जुनाइल कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा और आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर आगे से ऐसे ना हो इसके लिए भी पुलिस को कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट ना तो मौके पे। समय समय पर हम सभी जो हरियाणा वासी हैं, जो हमारी जनता है, हम समय समय पर हर जगह गांव में जब भी विलेज टूर होता है या शहर में हम किसी मोहल्ले में जाते हैं, बार बार ये कहते हैं भी कृपया अपने बच्चों को बच्चों में जान दें वो क्या कर रहा है, सुबह शाम उसकी टीचर्स की प्रेजेंस में देखें जा करके, कभी कभार पोषक निरीक्षण करें जहाँ बच्चा आपका पढ़ रहा है उसको जाके देखें, और बच्चों की संभाल तो खुद ही करनी पड़ती है हमें, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, वो बच्चों को संभाल करें और ध्यान दें इस तरह की घटना दोबारा ना हो, और बच्चों से एक मित्रत्व व्यवहार करके उनसे उनकी फ्रेंड की तरह बात करें, उनसे मन की बात जाने, ताकि इस तरह की घटनाएँ ना हो। लेकिन सर इतने बड़े इंस्टीट्यूट में ना सिक्योरिटी थी चेक करने वाला, ना कोई सिस्टम है, ये तो चीज़ आप देखेंगे ना। हमने नोटिस जारी कर दिया है उनको, उन पर कार्रवाई होगी। और भी इंस्टीट्यूट के खिलाफ भी आप नोटिस जारी करेंगे कि इस चीज़ ये चीज़ें ना हों? देखिए सभी को पहले डायरेक्शन जारी की गई हैं, जब भी कोई इंस्टीट्यूट खुलता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से पहले ही सिक्योरिटी के प्रबंध सारी उनसे इन राइटिंग ली जाती है, तभी वो आगे उसकी अनुमति मिलती है। अच्छा सर ये सारा मामला हुआ कैसे था? बच्चे ने आरोपी ने बताया होगा कि किस चीज़ का झगड़ा हुआ था? इनके आपस में पहले कहा सुनी हुई है, दोनों एक ही क्लास में एक ही स्कूल में पढ़ते हैं दोनों, एक उसके पास नॉन मेडिकल है जो आरोपी है बच्चा है, और इस पे मृतक बच्चे पे नॉन मेडिकल थी, दोनों उसी इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहे हैं, आपस में निकाह सुनी हुई है, और वो बच्चा बाजार से कहीं से चाकू खरीद के लाया और आपस में इनकी वहाँ घटना के वक्त पहले घटना से पहले
इनके आपस में हाथापाई हुई है और उसने उसके छाती में बिल्कुल हर्ट के ऊपर उसने वार कर दिया और उसके बच्चा घायल हो गया एक बार तो, और उसने अस्पताल में जाकर दम तोड़ दिया। अच्छा, SHO के ऊपर भी आरोप लगा रहे थे कि आकाश इंस्टीट्यूट का नाम ना लिखा हो, कुछ ऐसी बात भी? ऐसा कोई बात में हो जाती है, कोई बातचीत हो जाती है, वो हमने समझा दिया है उनको, कोई बात नहीं है। अभी पोस्टमार्टम हो रहा है जी? पोस्टमार्टम अभी होगा, अभी जस्ट वो एक एप्लीकेशन लिख के उसके बाद हम अगली कार्रवाई शुरू करेंगे। DSP साहब मौके पर थे, अभी फिलहाल जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है और इस मामले में एक और शिकायत जो है वो दी जा रही है और शिकायत के बाद जो है जाहिर तौर पर आकाश इंस्टीट्यूट पे जो कार्रवाई होती है वो करेंगे और कानूनी राय लेकर जो है कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें और DSP का आश्वासन के बाद जो है इस मामले में अगली कार्रवाई होगी। नमस्कार।